युवा हूँ, मेरा मंदिर से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ शौचालय को विकास मान लोगे तो तुम्हारे अंदर की सोचे है गंदी। क्या पता लगा कि चोर है, बदमाश है, बलात्कारी है, उसको तुम वोट दिए जा रहे हो, मरे जा रहे हो। तो इंडिया के लिए कौशल योजनाएं नहीं चलाई गई? कौशल योजनाएं कागज में चल रही है। मैं ITI पढ़ा हूँ, राजकीय ITI और ITI से पढ़ा हूँ और CTI मैं भोपाल से हूँ। उसके बाद मुझे स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया 0 मैं DLED कर रहा हूँ आपके ही दर्जी कुआं गोंडा से। रेलवे में मैंने दे रखा था, रेलवे चली गई टेंडर बेसिस पे, मैं छोड़ करके आ गया DLED में। अब मैं DLED कर रहा हूँ, यही है स्किल इंडिया। को जेल में वो कह रहा हो कि जहर दिया गया, एक बार दिया गया, दो बार दिया गया, आखिर मर गया। इससे बड़ी गुंडागर्दी होगी क्या? है गुंडागर्दी इससे बड़ी? इससे बड़ी गुंडागर्दी का प्रमाण अब क्या हम दें? अभी लोग नाराज होने लगेंगे भाई। देश के ऊपर एक काला निशान है, थूकना चाहिए इस गुंडागर्दी पे और इस सरकार पे। पुलिस के बीच में किसी को क्या कर देना है? मैं देखिए, मुझे गठबंधन रोजगार की समस्या है। हमको लगता है कि ये गठबंधन सरकार ही दे पाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार में रोजगार का क्या हाल है आप देख ही रही हैं। प्राइवेट हो गया, रेलवे जैसे संस्थाएं प्राइवेट हो गई हैं, और यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था इतना आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ की जा रही हैं, जो युवाओं के लिए बेहद ही चिंतनीय है, दयनीय। अब तक का रिकॉर्ड जो बताता है कि भर्तियाँ जो हुई हैं और सरकारों में हुई ही हैं, अभी बिहार में देख लीजिए गठबंधन की सरकार रही है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है नौकरी के पक्ष में, जो उन्होंने 18 महीने की सरकार में काम करके दिखाया है, नीतीश बाबू नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब सपा सरकार थी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे, मैं राजनीति से परे बात कर रहा हूँ, या बसपा की सरकार थी, 1,00,000 सफाई कर्मी की भर्ती हुई थी बिना घूस के, कोई इल्जाम नहीं। पहली टेट हुई उसमें मेरे परिवार के 2 लोग टीचर हुए, कोई इल्जाम नहीं लगा। 72,000 नौकरियाँ एकदम फ्रेश मिली। इसके बाद विशिष्ट BTC 10,000 हुई, उसमें भी मेरे परिवार के लोग नौकरी पाए। मेरा अपना मानना है कि अगर सपा सरकार रही हो या बसपा सरकार रही हो, नौकरी के ट्रैक पे युवाओं के लिए तो एकदम अच्छे। BSP को देंगे, गठबंधन को? मैं गठबंधन को दूंगा, पक्का है गठबंधन को दूंगा, और मैं अपने ही ट्रैक पे रहूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूं, मेरा मंदिर से काम नहीं चलने वाला है, आस्था में मेरा पूरा विश्वास है। मैं रोज सुबह पूजा करता हूँ, ये दिखाने की चीज नहीं। आस्था जो है वो घर के सीमित रहनी चाहिए। मेरा ये नहीं कि मैं भक्त हूँ तो पूरे देश में चौराहे पे बैठ करके बताऊँ कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त। सुबह मैं जागता हूँ, पहले मैं जागता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद मैं जल देता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ कॉलेज में मैं पढ़ के आता हूँ। शाम को अगर कहीं बात आती है तो मैं राम भक्त, मेरे यहाँ सुंदरकांड हो रहा है। जितने लोग चिल्ला रहे हैं अभी, पूछ लो, गायत्री मंत्र नहीं बता पाएंगे अभी, प्रभु अभी आरती नहीं बता पाएंगे, 2 मिनट में भी बोल जाएंगे। केवल हल्ला मचाना हो इनको, दिन रात अगर हल्ला मचाना हो तो ये केवल दंगा करवा देंगे हल्ला मचा करके। अभी गायत्री मंत्र सुन लो, 2 लोगों से नहीं बता पाएंगे। मेरा मानना है कि आस्था जो होनी चाहिए, किसी भी धर्म में हो, आस्था अपने घर में होनी चाहिए। जो पूजा पाठ है, पूजा किसी भी धर्म में हो, पूजा पाठ घर में होनी चाहिए, चौराहे पे नहीं। ये व्यक्तिगत विषय होता है, आप किसी भी धर्म से हो, से मुझसे में नहीं मतलब है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर युवाओं को हल्ला मचाने से फायदा होता तो ये लोग राजा बन जाते, सबके सब राजा बन जाते। पढ़ना लिखना जिनको है नहीं और नेताओं के सहारे पे चलना है और पढ़े, जो लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, अरे विकास देखना हो तो जा करके इंदौर में देखो, विकास देखना हो तो विदेशों में देखो। यहाँ शौचालय को विकास मान लोगे तो तुम्हारे अंदर की सोचे है गंदी। तुम शौचालय तक सीमित हो तो तुम्हारी सोच वही है। कहना क्या, मैं अपने यहाँ की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ एक नीलम सोनकर है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ प्रॉपर, मेरे यहाँ वो भाजपा में थी, मैंने उनको वोट दिया था, कुछ काम उन्होंने सड़क पे किया था। मेरा मानना पार्टी से उठ करके वोट देना चाहिए, कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ना कि अंधा आँख मूंद करके। अरे जब अगर तुम पढ़े लिखे हो करके आँख मूंद के ऐसा काम करो, तुम में और जाहिलों में अंतर क्या रह गया? किस बात की युवा हो, किस बात के तुम रोज मोबाइल चलाते हो, फेसबुक देखते हो, उस फेसबुक का कोई अर्थ तो निकालो। राइट टू इंफॉर्मेशन का है, अपने कैंडिडेट के बारे में जानो, उसका ट्रैक क्या है, अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है। क्या पता लगा कि चोर है, बदमाश है, बलात्कारी है, उसको तुम वोट दिए जा रहे हो, मरे जा रहे हो। तो मैं मुद्दे की बात बोलता हूँ,
मैं किसी मैं कह तो रहा हूँ आज मेरे यहाँ अगर भाजपा का कैंडिडेट अच्छा निकल जाएगा, मैं सरेआम कह रहा हूँ चौराहे में मैं भाजपा वोट दूंगा। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, यहाँ का मैं रहने वाला नहीं प्रॉपर, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कि अगर भाजपा का प्रत्याशी रहेगा मैं उसको आजमगढ़ से हैं, मैं प्रॉपर आजमगढ़ कर रहा हूँ, दिनेश लाल निरहुआ उसको नहीं दूंगा मैं वो। सुनिए, समाज के लिए उन्होंने क्या किया, समाज के लिए उन्होंने क्या किया, तो वो दूसरे हैं सपा से धर्मेंद्र यादव जो बाहरी हैं। बाहरी बिल्कुल बाहरी जरूर है, मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक एक लाइन होनी चाहिए, जैसे कहने के मतलब वो एक अलग, देखिए सुनिए, नेता अलग चीज है, अभिनेता अलग चीज है, अभिनेता काल्पनिक तौर पे है और नेता जो है वास्तविक जीवन में है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कुर्ता पहन लेंगे तो आप नेता हो गए, कल को आप दो ठो चश्मा लगा करके मिसाइल के पास खड़े हो गए तो आप इंजीनियर हो गए, ऐसा नहीं होता है। किसी आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप एक जीवन लगाई होंगी उसमें, आपकी सोच ऐसी होगी क्या पूछना है क्या करना है, ऐसा कुछ कही होंगी ना, ऐसा तो है नहीं। मैं इनको पकड़ा दूं कि माइक ले लीजिए भैया, चलिए पत्रकारिता करें, क्या पूछेंगे, होना चाहिए कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या बोलना है, क्या समाज में काम करना है, कुछ उनके पास ट्रैक, क्या ट्रैक है, क्या किया उन्होंने। जिनको आप कह रहे हैं वोट देंगे धर्मेंद्र यादव, वो उनको कहाँ ढूंढने जाएंगे, सैफई में उनके प्रतिनिधि रहते हैं, ऐसा नहीं जब वो जीत करके जाते हैं उनके प्रतिनिधि रहते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब जीते थे उस समय 2014 में मेरी उम्र कम थी, लेकिन मैं अपने गांव के ही एक लोगों को लिवा करके गया था मेडिकल के लिए, मैं बता रहा हूँ एक मिनट में फाइल पास हुई थी, कोई सांसद नहीं कर पाएगा। आजमगढ़ की फाइल थी, उन्होंने बस देखा, इतना कहा कि किसका है बताए, मेरे गांव का है, बस इतने दो मिनट में फाइल ट्रांसफर हुई, लखनऊ पीजीआई में गया, एक मिनट नहीं लगा इलाज हुआ उनका, ऐसी हालत थी। और मैं जानता हूं जब भी कोई बड़ा नेता लड़ता है उसको वोट दे देना चाहिए, हॉट सीट होती है उस पर विकास होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जब जीते थे आजमगढ़ का विकास उस 14 के बाद और 14 के पहले की क्या हाल रही मैं जान रहा हूं अच्छे। अभी की जो सरकार चल रही है जी, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? एक में काम बहुत अच्छा है जो एयरपोर्ट बना है, बाकी और कोई काम नहीं मैं जानता। रोड सड़क बिजली 6 लेन गई है इस सड़क में, मैं तो कह रहा हूँ इस सड़क में काम हुआ है मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ, सड़कें बनी है लेकिन रोजगार नदारद है। सड़क से मंदिर से कुछ नहीं होने वाला मैं इतना जान रहा हूँ, रोजगार मिलेगा, अभी इतने लोग हैं तो ये जो युवा हैं वो रोजगार के मुद्दे पे वोट देंगे, दे देना चाहिए अगर इनको नहीं, मंदिर आस्था का विषय है, ये आपको लग रहा है? नहीं मेरा, हाँ मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरा ये पर्सनल विषय है, मेरा ये आस्था का विषय है, मंदिर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुराई ही होगी, आस्था अलग चीज है, आस्था में विश्वास रखना चाहिए, यही तो है गलत सही करने तो के लिए। रोजगार मतलब क्या, सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी के अलावा भी और चीजें हैं, इसके लिए कर तो रहे हैं मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, जमीन पे दिखना भी तो चाहिए। मेक इन इंडिया के लिए गाँव में हुआ क्या? मेक इन इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया के लिए गांव में क्या हुआ बताइए ना। इंडिया के लिए कौशल योजनाएं नहीं चलाई? कौशल योजनाएं कागज में चल रही है, मैं आईटीआई पढ़ा हूँ, राजकीय आईटीआई और राजकीय आईटीआई से पढ़ा हूँ और सीटीआई मैं भोपाल से हूँ, उसके बाद मुझे स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जीरो मैं डीएलएड कर रहा हूँ आपके ही दर्जी कुआ गोंडा से। अब मुझे मास्टर बनना है, ये है स्किल इंडिया का वास्तविक धरातल पे काम। रेलवे में मैंने दे रखा था, रेलवे चली गई टेंडर बेसिस पे, मैं छोड़ करके आ गया डीएलएड में, अब मैं डीएलएड कर रहा हूँ, यही है स्किल इंडिया, यही है मेड इन इंडिया और यही है मेक इन इंडिया और यही है स्किल इंडिया, और किसी से इस तरह से नहीं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कभी आप ऐसे बैठिएगा तो वो आपको बताएंगे कि स्किल इंडिया और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का धरातल पे क्या काम है आप जान। अरे लोग बताएंगे, अब इस तरह से अभी लोग ये सोचते हैं कि कैमरे पे बोलेंगे तो हमको लोग कोई किसी पार्टी का भक्त। तुमको क्यों नहीं डर लग रहा है भाई? अरे डर चाहते हो इसलिए? नहीं कहे डर लगेगा, हम किसी यहाँ के चोरी थोड़े ना कर रहे हैं किसी का। तुम्हें कह रहे हो और लोग बोलने में डर लगता है उनको कि बुलडोजर आ जाए, है कि कैमरा पे बोलेंगे, अभी कोई पार्टी विशेष का मामला बोल जाए या पार्टी बनाम ये ऐसा वैसा, इसलिए और लोग कैमरे पे डर भी जाते हैं, जैसे कैमरे पे बोलना अलग चीज है। अभी आप ये चीज मुझसे व्यवहारिक बात करती तो मैं आपको फटाफट जवाब देता या ये भी दे सकते थे, कैमरे पे बोलना सबकी बस की बात शायद नहीं मेरे हिसाब से, नहीं सब लोग अभिनेता हो जाते भाई, दिनेश लाल निरहुआ बन करके फिल्म बनाने लगते, सबका यूट्यूब चैनल होता, सब लोग रोज लाइव आते और बताते कि ये करिए वो करिए, रील बनाते लोग, कैमरे से सबका नाता नहीं। वो जीते थे आपके क्षेत्र से तो वोट तो मिला था ना उनको? किसको? निरहुआ को। निरहुआ बाय एक्सीडेंटल जीत गए थे, बाकी आगे क्या होगा ये तो चुनाव बता दे ही देगा ना। कभी कभी हो जाता है, एक दिन के जीत से जीत नहीं हो जाती है, कभी गलती से मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, मैं सबसे बड़ा धावक हूँ लेकिन उस समय मैं हार गया ना,
एक बार के लिए हारना अलग बात है, लेकिन अगर मैं रोज हार जाऊंगा तो मैं धावक कहाँ रह गया। लेकिन एक बार हो सकता है कि मेरा पैर फिसल जाए, कांटे लग जाए। मिल्खा सिंह हार गए थे, एक गिट्टी की वजह से हार गए थे ओलंपिक में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में उन्होंने जीता। एक बार के जीते तो यही हाल निरहुआ का है, बाकी बाद में हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कॉलेज में जब जाते हैं तो युवा क्या बोलते हैं कि इस बार कुछ बदलाव होगा या कहीं ना कहीं राम का मुद्दा बनेगा, क्या बोलते हैं? जैसे देखिए, मैं ही बताया ना कि जो अभी जाहिलपना है वो दिमाग से जा नहीं रहा है, तो जाहिलपना बना हुआ है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों को लगता है कि सिलेंडर 350 रुपया वाला जो 1000 हुआ है उससे देश में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो MPC का कह रहे हैं, पहले जब 350 था तो घर घर था ही नहीं, अब 1000 रुपए हो गए तो घर घर पहुँच गया। अच्छा, तो ये हम भी बताना चाहें कि यही बाजार और बाजारवाद में फर्क है। पहले जब जियो आया तो उसने फ्री दिया, तो सबको लगा कि फ्री में नेट मिल रहा है, तो घर घर सिम हो गई, तो उसने 49 का प्लान ले आया। 49 का प्लान करके 299 रुपया सीने पर चढ़ के ले रहा है। यही बाजार, यही मैं इकोनॉमी भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ITI से ही हूँ, तो मैं बाजार और बाजारवाद दोनों को बता रहा हूँ कि यही बाजारवाद था। 49 भैया, भाजपा वाले आइए आइए भैया, यही स्वीट पॉइजन है। तारक पे बात नहीं कर पाएगा कोई, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो। अभी उनसे मुद्दे पे बात करिए। अभी देखिए, सपा से बात करिएगा, उनका एक लाइन है, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अभी भाजपा से बात करिए, सपा वाले में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, बस पैसा दो पोस्ट ले जाओ। अब तो कम से कम लीक हो रहा है तो कम से कम कैंसिल तो हो रहा है, सपा वाले में बहुत गुंडागर्दी है, सारे यादव लोगों की भर्ती होती है, अस्पताल के बाहर मार दिया जा रहा है, पूरी कड़ी सुरक्षा में किसी को गोली मार दी जाए, इससे बड़ी गुंडागर्दी हो सकती है क्या देश में? होगी? किसी को जेल में वो कह रहा हो कि जहर दिया गया, एक बार दिया गया, दो बार दिया गया, आखिर मर गया, इससे बड़ी गुंडागर्दी होगी क्या? सुनील राठी के द्वारा मुन्ना बजरंगी की आन जेल में हत्या कर दी गई, इससे बड़ी गुंडागर्दी होगी? पुलिस के बीच है गुंडागर्दी, इससे बड़ी, इससे बड़ी गुंडागर्दी का प्रमाण अब क्या हम दें? अभी लोग नाराज होने लगेंगे भाई, मैं अगर ज़्यादा बोल जाऊँगा लोग नाराज होने लगेंगे। इससे बड़ी गुंडागर्दी का प्रमाण नहीं है, पूरे देश के ऊपर एक काला निशान है, थूकना चाहिए इस गुंडागर्दी पर और इस सरकार पे। पुलिस के बीच में किसी को क्या कर दिया है? मैं देखिए, मुझे मैं बता रहा हूँ, योगी के पर्सनल जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। एक नेता को उस रूप में होना चाहिए, बिल्कुल, जैसा कि एक कहते हैं ना कि योगी एक ईमानदार छवि होनी चाहिए, लेकिन जो कार्य प्रणाली है मैं इससे दिक्कत में रहता हूँ। क्या बुरा लगता है? अब जैसे कानून का राज होना चाहिए, अगर संविधान देता है किसी को अधिकार, देता है फ्रीडम टू स्पीच देता है, अगर उसको जेल में बेल का अधिकार देता है, तो कहीं ना कहीं उसका पालन तो होना चाहिए। अब किसी की गाड़ी पलट दी जाए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रक्रियाएँ हैं उसकी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाइए, 10 दिन के बजाय 5 दिन में सजा दीजिए, 2 दिन में सजा दीजिए, ये अलग चीज़ है। लेकिन इस तरीके से अभी मैं जा रहा हूँ, इस तरीके से अगर होने लगेगा देश में, तो जुडिशरी का क्या मतलब रह जाएगा? आखिर सरकारें किस लिए चुनी जाएंगी? क्या मतलब होगा सरकार चुनने का और सरकार को रखने का? कोई मतलब तो नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा अपना व्यक्तिगत रवैया है। अगर इस तरीके से तानाशाही लोकतंत्र में चलने लगे, लोकतंत्र में अगर इस तरीके से तानाशाही चलने लगे, तो डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र में मेरे हिसाब से कोई अर्थ नहीं है। और ये राठी को ज्यादा देख रहे हैं क्या? किसको? नाम सुने, नाम सुने, ध्रुव राठी कोई यूट्यूबर है, लेकिन मेरा नाम शिव प्रकाश चौधरी है। शिव प्रकाश चौधरी मेरा नाम, प्रकाश चौधरी। इनके लिए एक ताली बजा दीजिए भाई। आप बताइए भैया, गठबंधन की बात करो, ये जनता जो है इनके बीच, हम गोंडा में है और गोंडा में चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए आए हुए हैं। क्या होगा बाबा यहाँ पे, क्या होगा, बदलाव होगा कि भाजपा आएगी? भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, बड़ा बदमाशी कर रहे हैं, कुछ भी करो आएगी वही। कैसे आएगी वही? कैसे? भाजपा, भाजपा, वो तो कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, तो फायदा क्या है? तो कैसे आ रही है भाजपा? ही आएगी कैसे, वही तो पूछ रही हूँ। वो जैसे आना होगा कुछ भी करेगा वो आएगी, आना है उसको, अभी वो 15 साल राज करेगी। अच्छा, हाँ, आपको बात होता है क्या डायरेक्ट? बात तो होता है, भाजपा है, जब तक मोदी है तब तक भाजपा है। मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं?
पावर है उसके पास। बात कुछ करे या ना करे आना उन्हीं को है। इतना कैसे क्लियर कट बता रहे हैं? क्लियर है, देश जो है वो युवाओं का है, अभी क्लियर है, आगे और क्या होगा देखा जाएगा। देखिए हम गोंडा में हैं और यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक मुद्दा बता रहे हैं और कह रहे हैं बेरोजगारी जो है वो सरकार की सीट्स कम कर सकती है और एक बड़ा सेंध मार सकती है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसके उलट और जो सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर फैक्टर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मोदी जी का जो एक छवि है, एक ब्रांड नेता की जो छवि है वो भी काम कर रही है। तो अब चुनाव के दिन ही पता चल पाएगा कि ये लोग किस तरफ जाएंगे, सत्ता की तरफ जाएंगे कि विपक्ष की तरफ जाएंगे, बयार किस तरफ है, ये हमने बात करके बता दिया। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।